हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनीति में। तो फ्रेंड, जैसे कि सर्दी का मौसम है और नींबू बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका कोई भी रेसिपी रेडी की जाए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं नींबू मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी है और फटाफट इजीली बन भी जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अचार बनाना। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर हाफ केजी यानी आधा किलो नींबू, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और थोड़ी देर धूप में रख दिया है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए। आप इसको अच्छे से पोंछ के भी पंखे में रख दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब इनके ऊपर थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए और बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। ऐसे ही मैंने 100 से 125 ग्राम हम ले ले रहे हैं यहाँ पर हरी मिर्ची, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से ये भी सूख गई है, धूप में रख दी थी थोड़ी देर। अब हम इनको अपने मनपसंद साइज़ में, मैं एक नींबू के 4 से 5 पीस करूँगी और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आप चाहें तो खाली नींबू का भी अचार डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिर्ची और नींबू दोनों का मिलाकर डालूंगी। तो अभी हम इनको कट कर लेते हैं और जो पीछे के इसके डंडियाँ हैं वो निकाल देंगे और इनको कट कर लेंगे। नींबू मिर्ची काट लिए हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा मिर्ची को कम कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, मिर्ची कम डालनी है। मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और अब हम डाले हैं इसको एक मिक्सिंग बाउल में या फिर एक बड़े बर्तन में जिसमें हम अच्छे से मसाले मिक्स कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगभग 4 से 5 चम्मच डाली हूँ धनिया पाउडर, फिर 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच लिया है मैंने देगी लाल मिर्च। आप तीखी मिर्च भी ले सकते हैं लेकिन इसमें ऑलरेडी मिर्च डाल रही हूँ तो इसलिए हमने देगी मिर्च ली है। और अब डालेंगे हम यहाँ पर नमक, के बाद यहाँ पे थोड़ी सी यानी 1 टीस्पून हम क्रश की हुई डालेंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और नमक मैंने बोला था तो यहाँ पे 1 चम्मच हम काला नमक और 2 चम्मच हम सफ़ेद नमक ले रहे हैं और ये हम डाल लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टा नींबू होता है तो इसलिए ये नमक थोड़ा ज़्यादा ही लेता है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच इसमें नमक ऐड किया हुआ है। और अब डालेंगे सौंफ, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ ले रहे हैं। धनिया भी हमने दरदरा कुटा हुआ लिया है, पाउडर फॉर्म में नहीं, थोड़ा दरदरा लेंगे। साथ में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। सभी मसाले जो हैं हमारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर अच्छा होगा कि आप हाथ की हेल्प से नहीं बल्कि स्पून की हेल्प से इसको टच करें तो हम चम्मच से ही इसको सारा मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हमने ले लिया है एक, आप बर्तन ले लीजिए और उसमें हमने 1 कप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल गरम किया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, ये गरम हो गया है और हम इसको कोई उबालना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। और हल्का हल्का हम इसमें 1 कप लिया है ऑयल, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से। रोक लेते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी आप चाहें तो इसकी हल्की सी तेल की भाप निकाल लें। सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और ध्यान रहे कि अच्छे से मसाला भी मिक्स होना चाहिए और जो इसमें ऑयल डाला हुआ है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे एक साफ सुथरे जार में, आप गर्म पानी से उसको अच्छे से वॉश कर लें, थोड़ा सा धूप दिखा लें या उसको अच्छे से पोंछ कर, और फिर हम उसमें इसको भर लेंगे। तो जार में या फिर आप डब्बे में किसी में भी आप इसको भर लीजिए। और भरने के बाद हम क्या करेंगे, उसको 8 दिन के लिए धूप में रखेंगे और फिर हमारा अचार रेडी हो जाएगा। तो अभी हम भर लेते हैं और इसको धूप में रख देते हैं। मैंने जार में डाल दिया है और जो मेरा ऑयल बच रहा है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके, अब क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो जार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके इसमें। तो ये हमारा नींबू मिर्ची का अचार रेडी है जिसको हम रख रहे हैं धूप में और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो अभी हम 8 दिन के लिए इसको धूप में रख देते हैं। तो लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं और हमारा नींबू मिर्ची का अचार बिल्कुल रेडी है जिसको हम ओपन कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये अचार हमारा रेडी हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए, निकाल लेते हैं बाउल में। तो नींबू मिर्ची का हमारा अचार रेडी है और आप इसको पूरी पराठे चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्पाइसी और टैंगी बना है। आप चाहें तो ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं या कम भी, तो मैंने इसमें थोड़ी कम ही यूज़ की थी। तो इस तरीके से आप बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। बस ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारे नींबू हैं इसके छिलके जो ऊपर है वो थोड़ा मोटा होता है तो थोड़ा और समय लगेगा, और अगर इसका छिलका थोड़ा हल्का है तो ये जल्दी ही 8 से 10 दिन में रेडी हो जाता है।
तो ये आप इंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।